नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन असिस्टेंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिजी लॉकर में कैसे अपना नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन अब डिजी लॉकर के वेब लॉगिन और ऐप में अवेलेबल हो गया है। हम सभी जानते हैं कि इस ऐप में और इस वेबसाइट पे, डिजी लॉकर के वेबसाइट पे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आईटी एक्ट के तहत ओरिजिनल माने जाते हैं और 24 आवर उसे हम एक्सेस कर सकते हैं और वो फुल्ली वैलिड होते हैं, जिसे हम किसी भी विभाग को सबमिट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं और उसे यूज़ में ला सकते हैं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि डिजी लॉकर की शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई ताकि हमें अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी नहीं करना पड़े, कहीं जाना भी हो तो हम अपने डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट को एक्सेस करके उससे अपना काम करवा सकते हैं, उसे ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे हम डिजी लॉकर में अपना नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों डिजी लॉकर में आप नॉमिनी दोनों ही तरीके से ऐड कर सकते हैं, आप वेब लिंक का भी यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और इसका ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने आपके अपने मोबाइल में डिजी लॉकर अभी तक इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो गूगल प्ले स्टोर में आप डिजी लॉकर सर्च कर ले, इसके रिगार्डिंग रिजल्ट आ जाएगा और सबसे टॉप में जो ऐप आएगा उसको आप सिंपली इंस्टॉल कर ले। मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है, इसे मैं अभी ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा 3 डॉट, यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाता है। हम सभी जानते हैं कि इसमें अपना एक, अगर अकाउंट आपका नहीं है तो बना लें और उसके बाद इसमें लॉगिन हो जाएं। जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन करेंगे आपको इस प्रोफाइल वाले सेक्शन में आना होगा। जब आप यूज़र प्रोफाइल में आ जाएंगे तो सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐड नॉमिनी। यहाँ पे दोस्तों आपको नॉमिनी का डिटेल एंटर करना है, जैसे एंटर नॉमिनी नेम, उसके बाद दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर, मोबाइल नंबर, अपने नॉमिनी का ईमेल आईडी, उनका आधार नंबर ज़रूरी है दोस्तों, ताकि आप किसी परिस्थिति में वो चाहें तो आपके इस डिजी लॉकर को एक्सेस कर सके, इसलिए उनका आधार नंबर यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। और लास्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है रिलेशन का, तो यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट करके आपको सिंपली सबमिट कर देना है। तो दोस्तों सभी डिटेल को एंटर करने के बाद सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करेंगे एक OTP हमारे मोबाइल पे आ जाएगा, जिसे आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और वैलिडेट OTP पे आपको टैप करना होगा। जैसे ही वैलिडेट OTP पे आप टैप करेंगे थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और यहाँ पे हमारा जो नॉमिनी है वो यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। और जैसे ही यहाँ पे आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो नॉमिनी के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उसे भी आप देख पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप डिजी लॉकर पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले होम का ऑप्शन रहता है, उसके बाद इश्यू डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स दोस्तों हमें डायरेक्ट इशू हुए हैं उसका PDF आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स दोस्तों हमारे पास PDF में ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है उसका यहाँ पर आप अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करके भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे ओरिजिनल की तरह ट्रीट नहीं किए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आ जाता है स्कैन QR। जो भी डिजी लॉकर से जो भी डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करेंगे या फिर उसे वेरीफाई करके प्रिंट करेंगे उसे आप यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफाइल का ऑप्शन अभी मैंने दिखाई दिया, अबाउट है तो डिजी लॉकर के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कुछ सेटिंग्स है जिसे आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो इस ऐप को शेयर कर सकते हैं और इसका हेल्प भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना कि डिजी लॉकर में कैसे अपना नॉमिनी ऐड करें ताकि किसी खास परिस्थिति में हमारा नॉमिनी जो है हमारे अकाउंट को एक्सेस कर सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।